हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जियाज़ रसोई एट जियाज़ आर्टिस्टी। आज मैं बनाने वाली हूँ दही के गर्मा गर्म कबाब। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हैप्पी रक्षाबंधन। तो इसके लिए हम ये कबाब बना रहे हैं आज। तो इस तरीके से आप कबाब बना सकते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो, पार्टी हो, तो ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। एक स्टार्टर्स के लिए आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो जो कबाब बनाने के लिए हमें सामान चाहिए वो मैंने यहाँ पर सामने रख लिया है, क्योंकि इससे इजी रहता है बनाने में। तो आधी प्रिपरेशन हम यहाँ पर करेंगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने मेहंदी लगाई है। हर ओकेजन पे हम लोग मेहंदी ज़रूर लगाते हैं। तो अभी तो रक्षाबंधन है, तो इसके लिए भी मैंने अपने हाथों पर बहुत सुंदर से डिज़ाइन बनाया है। राइट हैंड पर थोड़ा सिंपल ही रखा है मैंने, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगाती हूँ राइट हैंड पर मैं। तो यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो ब्रेड क्रम्स आपको पता है, मैंने अपने वीडियो में बताया था कि आपको ब्रेड्स के स्लाइसेस लेने हैं, उनको छोटे पीसेस में तोड़कर मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। तो ब्रेड क्रम्स आप घर पर बना सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर ले रहे हैं लगभग 4 चम्मच के बराबर हमने दही लिया है। दही को फ्रेंड्स बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, तो उसको अच्छे से किसी कपड़े में बांध कर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है। और यहाँ पर हमने लिया है 2 बड़े प्याज बारीक चॉप किए हुए। और मसालों में मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, और साथ ही हम ले रहे हैं गर्म मसाला, और 1 चम्मच लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आधा कटोरी लिया है पुदीना, फ्रेश पुदीना है। इसको धो लिया है इसलिए इसके पत्ते जो आपको ऐसे दिखाई दे रहे होंगे, वॉश किया मैंने इसको। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो है हमें कबाब बनाने के लिए ये सब चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक खुला बर्तन ले लेती हूँ, आप चाहें तो परात भी ले सकते हैं, जिसमें हम इजीली इसका डो बना सके। तो यहाँ पर जो है जो ब्रेड क्रम्स हैं हम उसको इसमें डाल देते हैं। तो साथ ही अब जो है यहाँ पर मैं दही मिला रही हूँ। अभी ब्रेड क्रम्स जो है मैं फ्रेंड्स थोड़ा ही मिला रही हूँ, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, अगर लगेगा तो इसमें मैं ऐड करूँगी। और साथ ही जो है हम यहाँ पर प्याज ऐड कर रहे हैं, इसमें प्याज भी हमने इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर हम पुदीना डाल देते हैं। पुदीने से जो है एक बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर आएगा, और जो स्मेल होती है पुदीने की, स्मेल वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, तो वो आएगी इसमें। और सारे मसाले जो हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी हम इसमें मिला देते हैं। अब देखिए, सारी चीज़ें फ्रेंड्स हमने इसमें डाल दी है। अब आपको इसका एक डो बनाना है, क्योंकि इसमें हमने दही ऐड करा है, तो दही से जो है इसका डो बनाने में इजी रहेगा। इसमें पानी हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दही की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा लेनी है। लगभग आधा कटोरी आप दही ले सकते हैं, अगर आप 4 स्लाइस आपने इस ब्रेड क्रम्स बनाए हैं 4 स्लाइसेस के, तो उसके साथ आप आधा कटोरी दही लेंगे। और बट दही में पानी नहीं होना चाहिए, थिक दही लेनी है हमने। तो देखिए बहुत ही आराम से जो है इसका डो बन गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा है और कितना इजी तरीके से हमने बना लिया है। प्लस इसको बनाने में आपने देखा ना, सामान लगा ज़्यादा ना टाइम लगा है ज़्यादा, और फटाफट से आप ये स्नैक्स बना सकते हैं। तो देखिए, आप एक प्लेट लेनी है हमने, और हाथ पे जो है हथेली पे हल्का सा हम ऑयल लगा लेते हैं, उसको ग्रीस कर लेते हैं हाथ को अपने इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने एक जो हमने डो बनाया है उसकी एक लोई ले लेते हैं, उसको अच्छे से हाथ पे रोल कर लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से पहले इसको गोल गोल हम रोल कर लेते हैं ताकि सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद धीरे से हथेली से इसको दबाते हुए एक टिक्की का, एक कबाब का शेप हम इस तरीके से देते हैं। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, बट मैं कबाब बना रही हूँ तो मैं इसको गोल शेप ही दे रही हूँ। तो देखिए कितना स्मूथ एकदम से ये बन चुका है। तो इस तरीके से बस जो साइड्स में है इसको बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ जो है आपने शेप देना है। तो देखिए, कबाब जो हमारा तैयार हो चुका है, और मैंने यहाँ पर 4 स्लाइसेस लिए थे ब्रेड के, आधा कटोरी दही, तो उसमें हमारे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये इतने सारे कबाब बन चुके हैं। साइज़ आप इनका छोटा बड़ा रख सकते हैं, मैंने जो है बिल्कुल मीडियम साइज़ रखा है। तो देखिए एकदम डोंगा जो है वो साफ़ हो गया है, कुछ भी इसमें चिपका नहीं है। तो इससे पता चलता है हमारा जो हमने डो बनाया था वो कितना अच्छा बना था। तो सब जो भी कबाब हैं फ्रेंड्स, हमने पहले बनाकर एक प्लेट में रख लेने हैं, क्योंकि जब हम इसको सेकेंगे तो टाइम वेस्ट होता है साथ साथ अगर आप बनाते हैं ये। और ये इजी तरीका ये भी है कि इसको बनाकर आप फ्रिज में रख दीजिए और जब खाना हो तो इसको सेकें। तो यहाँ पर हमने एक पैन लिया है,
और पैन में जो है मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल आप जो खाने में यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे कबाब हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। फ्रेंड्स, कबाब को जो है ना मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ ना मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। मैं जो हूँ उसको सिर्फ हल्का सा हम सेकेंगे इसमें। हम यहाँ पर बहुत कम ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए ये एक तरीके से हेल्दी भी है क्योंकि हम इसमें बहुत ना के बराबर ऑयल यूज़ कर रहे हैं। जो हल्का ऑयल हम डाल भी रहे हैं वो इसलिए ताकि ये चिपके नहीं आपस में, तो उतना ही हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो, और सेकने में जो है वो कम ऑयल लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से जो है जब कबाब एक साइड से पक जाते हैं तो उसको पलट देना है। और जब आप कबाब को पैन में डालते हैं तो गैस को स्लो कर दीजिए। इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है हमने, उससे क्या होगा कबाब सिर्फ जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो जब आप कबाब को पैन में डालते हैं तो गैस स्लो कर देनी है, आपने फ्लेम को स्लो कर दीजिए और स्लो आंच पे ही जो है इसको पकाना है हमने। तो देखिए बहुत सुंदर इसका कलर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक बार मैंने भी 4 ही कबाब आपको डाल के दिखाए हैं कि आप इजी इस तरीके से भी आप बना सकते हैं इसे। तो एक बारी में जितने कबाब आप डाल सकते हो जो आपस में चिपके नहीं उतने ही डालने हैं। और एक तरीका ये भी है कि समय बचाने के लिए ये पैन जो है थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ज़्यादा कबाब डाल दिए हैं। पहले मैंने 4 ही पीस डाले थे और अभी जो है थोड़े ज़्यादा डाल दिए हैं, लेकिन ये आपस में चिपक नहीं रहे हैं बिल्कुल। अभी भी इसमें बीच में काफ़ी स्पेस है, तो ये टाइम बचाने के लिए मैंने एक साथ इनको सेक रही हूँ। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। देखिए साथ में हम इसको सेक रहे हैं तो भी हमारा टाइम बच रहा है। तो देखिए इतना अच्छा स्नैक्स है, इसको आप बना सकते हैं। त्योहारों का टाइम है तो कुछ अलग भी बनाना चाहिए। और क्या होता है कि हम लोग त्योहारों में अक्सर मीठा इतना खा लेते हैं, फ्राई चीज़ें इतनी खाते हैं, तो कुछ अच्छा अलग सा खाने का मन करता है। तो आप इसको बना सकते हैं, एज ए स्टार्टर्स भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि खाने से पहले या शाम की चाय के साथ। तो फ्रेंड्स, हमारे गर्मा गर्म दही कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ से जो इसकी थिकनेस है वो बराबर आई है और बहुत ही अच्छे से हमने इसको सेका है। साथ ही हम यहाँ पर ले रहे हैं पुदीने की चटनी, क्योंकि हमने इसमें पुदीने का ही फ्लेवर दिया था, और साथ में मैं यहाँ पर पुदीने की ही चटनी ले रही हूँ। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जो कबाब हैं ये हरी चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप इसके साथ चटनी ही लीजिए, और अगर बच्चों को दे रहे हैं तो उनको आप टमाटो सॉस के साथ दे सकते हैं क्योंकि बच्चे बहुत स्पाइसी नहीं खाते हैं। लेकिन ये जो कबाब हैं हमने इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले हैं ताकि बच्चे भी इसको खा सकें, इंजॉय कर सकें। तो इसी तरीके से आप इसे बनाइए। और अगर फ्रेंड्स आप इसको पार्टी के लिए बना रहे हैं या घर पर गेस्ट आ रहे हैं तब बना रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे हमने इसके कबाब जो हैं इनको रोल किया था, तो वो सारे रोल्स बनाकर आप प्लेट में रख दीजिए और फ्रीज़र में रख दीजिए स्टोर करके। देन जब आपके फ्रेंड्स आते हैं या तब आपने चाय बनानी है या कॉफ़ी बनानी है, तो आप तुरंत गर्मा गर्म इनको सेकिए। तो इससे क्या रहेगा, आपका टाइम भी बचेगा और जितनी देर आप चाय बनाते हैं उतनी देर में ये सेक भी जाते हैं। और इसमें हमने बहुत कम ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, बट डीप फ्राई करने में क्या होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगेगा और वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए हमने यहाँ पर जो है कम ऑयल का यूज़ किया है। तो आप इसी तरीके से बनाइए दही के कबाब, आपको बहुत पसंद आएंगे। और इंजॉय कीजिए गर्मा गर्म चाय के साथ दही के कबाब। और फ्रेंड्स, इसी के साथ और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। और इसके बाद मैं आपके साथ एक हेल्दी ड्रिंक स्मूदी शेयर करने वाली हूँ।